दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर हो चुकी है रजत दलाल की जोरदार लड़ाई। दरअसल आपको बता दें कि रजत दलाल और अविनाश दोनों के बीच की लड़ाई तब शुरू हुई जब रजत दलाल ने अविनाश को टोका था कान में फुसफुसाने के लिए। इस दौरान अविनाश ने जवाब में कहा, मेरी मर्जी, जो आएगा वो करूंगा। इसके बाद जब रजत दलाल को यहाँ पर काम करने के लिए कहा, यहाँ पर अविनाश ने, तो रजत ने कहा कि भाई मैं थोड़ी देर बाद अपनी मर्जी से जब मेरा मन होगा तब कर लूंगा, तू कौन होता है मुझे बोलने वाला, इसमें भी मेरी मर्जी चलेगी। और दोनों के बीच में यहाँ गेमा गेमी और तू तू मैं हो जाती है, जहाँ पर घर के नियम का पैम्पलेट भी लाया जाता है और उसमें बताया जाता है कि फुसफुसाने का नियम नहीं है तो आप कान में बातें नहीं बोल सकते। और गहमा गहमी इतनी ज्यादा हो जाती है कि यहाँ पर वार्निंग दे देते हैं रजत दलाल और ये भी कह देते हैं कि दो जो तू उखाड़ सकता है मेरा उखाड़ ले, मैं भी यही हूँ, तू भी यही है, और अब यहाँ से जाने से पहले तुझे तो बेटे तमीज सिखा के जाऊंगा, जो तेरी बदतमीजियां है ना इन्हें बंद करके जाऊंगा। बहरहाल रजत दलाल ने यहाँ पर खुली धमकी अविनाश को दे दी है। अब देखना होगा कि अविनाश इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। घर के अंदर खुला एक तरफा चैलेंज करते नजर आ रहे हैं रजत दलाल जो भी उनसे भिड़ने आ रहा है उसको। कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आपका क्या मानना है इसको लेकर। और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दे चैनल देखो देखो को।